केंद्रीय प्रशासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक नियंत्रण रेखा के करीब स्थित है। जिले का मुख्यालय भी पुंछ शहर के नाम से ही जाना जाता है और प्रदेश के एक मुख्य शहर जम्मू से इसकी दूरी तकरीबन 235 किलोमीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो जम्मू व कश्मीर संभाग को अलग करती है, उसी पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलानों और वादियों में बसा यह क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र पलत्स्य नगर के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि पलत्स्य, जो कि रावण के दादा थे, उन्होंने काफी समय तक यहां तप किया, जिससे इस क्षेत्र को पलत्स्य नगर के नाम से जाना जाने लगा। पुंछ जिले में बहुत से ऐतिहासिक व मनमोहक पर्यटन स्थल मौजूद हैं और पर्यटन उद्योग क्षेत्र में इस जिले में काफी संभावनाएं हैं। ये पर्यटन स्थल आसपास के राज्यों में काफी प्रचलित हैं और कुछ स्थलों पर पूरे देश से पर्यटक आते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं पीर की गली, मुगल रोड पर स्थित यह सबसे ऊंचाई वाला स्थान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 11,400 फीट है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और ढलान पे घास के मैदान हैं। मुगल रोड पुंछ जिले के बफलिया क्षेत्र से शुरू होती है और यह पुंछ को कश्मीर घाटी में शोपियां जिले से जोड़ती है। बफलिया से थोड़ी ही दूरी पर मुगल रोड से थोड़ा सा हटकर एक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसका नाम है नूरी छम। बादशाह जहांगीर, सभी जने जो भी मुगलिया दौर के बादशाह गुजरे वो इसी रास्ते से गुजर के कश्मीर जाते थे। ये उस वक्त की यह जगह मशहूर है नूरी छम। और नूरी छम ये उस वक्त बादशाह मुगल बादशाह ने यह नूरी, उसकी बेगम का नाम नूर जहां था, उसके नाम पर इसको रखा था नूरी छम। और यह नूरी छम फॉल जो है वो बहुत ऊंचाई से गिरता है, नीचे जाता है। आजकल तो ये तबाह फनाफिला हो गया है। यहाँ आकर बादशाह बैठते थे और खूब एंजॉय करते थे। इधर साथ में चंडीमार में उन्हें सराय बनाई थी, वहां ठहरते थे और इसी रास्ते से गुजर के जाते थे। पुंछ शहर से थोड़ी ही दूरी पे यहाँ की दो सबसे खूबसूरत जगहें हैं साबजियां और मंडी लोरन। ये दोनों ही जगहें ऊंचे पर्वत की चोटियों से घिरी हुई हैं और बाहरी पर्यटन से बिल्कुल अछूत हैं। और यहाँ की सुंदरता देश व विदेश के किसी भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से किसी भी प्रकार कम नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको विभिन्न खूबसूरत वादियों की तरफ ले जाएंगे। आप लोरन से ऊपर किसी भी तरफ रुक कीजिए, आपको एक नई वादी देखने को मिलेगी। यहां से कश्मीर के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग तक भी पैदल जाया जा सकता है। ये रास्ते आपको उन सात झीलों पे भी ले जाएंगे, जिनकी वजह से पुंछ को सात झीलों की घाटी भी कहा जाता है। आज के शहरों की तनावपूर्ण जिंदगी और भीड़ से भरे पर्यटन स्थलों से दूर कहीं आप किसी शांत पर्यटन स्थल पर भ्रमण करना चाहते हैं तो पुंछ में आपके लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और पुंछ ऐसे सभी यात्रियों को इन वादियों को सराहने के लिए आमंत्रित करता है। धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी
पूंछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ तो वैसे बहुत सारे धार्मिक स्थल मौजूद हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं दरगाह साईं बाबा मीरा बख्श। साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह तो ये अल्लाह के बड़े प्यारे वली थे और लोगों की तमाम मरादें जो उनके दिली मरादें हुआ करती थी, जिनको अगर औलाद नहीं थी वो भी साईं बाबा की बारगाह में आकर अपनी औलाद के लिए दुआएं मंगवाते थे। रियासत और बैरून रियासत से भी लोग साईं बाबा बादशाह की बारगाह में आते रहे और अपनी मरादें जो हैं वो दिली वो पूरी करवाते रहे। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ। बूढ़ा अमरनाथ जी ये जो है बहुत प्राचीन स्थान है कि जो कोई अमरनाथ नहीं जा सकता, बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच सकता, यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण है। गुरुद्वारा डेरा नंगाली साहिब। 1803 विच इत्थे डेरा पुंछ कायम होया और इस डेरे दसम पातशाह दी जो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गद्दी चल रही है और पहले तहसील बाग था, उस तो बाद 1803 विच इत्थे गुरुद्वारा बनिया। आप जी ये पुंछ नंगाली साहिब बनिया, इस नूं 13वीं गद्दी चल रही है। आप यहां पर यहां के ऐतिहासिक स्मारकों और यहाँ के खान पान का आनंद भी ले सकते हैं। पुंछ की ऐतिहासिक इमारतों में से सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का पुंछ किला। पुंछ किला 18वीं शताब्दी में उस वक्त के राजा रुस्तम खान द्वारा बनवाया गया था। पुंछ शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे चक्का दा बाग नियंत्रण रेखा पर व्यापार केंद्र भी स्थित है, जहां पे भारत व पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से व्यापार होता है। अगर आप नियंत्रण रेखा देखने के इच्छुक हैं तो आप इस व्यापार केंद्र तक भी जा सकते हैं। सदाबहार पुंछ घाटी में आप सभी का स्वागत है।